कहते हैं प्यार अंधा होता है, ये ना तो जाति धर्म देखता है और ना ही मुश्किलें। जब अपनी जिद पर आ जाते हैं तो सात समंदर पार कर अपने प्यार को ढूंढने निकलते हैं। ऐसे एक मामला इन दोनों बस्ती जनपद में सुर्खियों में बना है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए सात समंदर पार कर दुबई से बस्ती पहुंच गई। प्रेमिका के आने की भनक जैसे ही उसके प्रेमी को लगी तो प्रेमी ने अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर 9-2-11 हो गया। प्रेमिका ने भी हार नहीं मानी और प्रेमी से मिलने की जिद ठान ली और पिछले 4 दिनों से अपने प्रेमी के घर के बरामदे में रह रही है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। वहीं प्रेमिका ने बताया कि हम दोनों लोग दुबई में साथ रहते थे। प्रेमी मुझसे शादी करने की बात कहता था, लेकिन 1 महीने पहले वो अपने घर चला आया और जब मैंने उसको फोन किया तो वो फोन ही नहीं उठाता था। लेकिन फिर प्रेमी ने फोन किया और कहा कि मैं दुबई चला आया हूँ, तुम भी चली आओ, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे आपसे इनसे मुलाकात हुई? सर, दुबई में हुई। कितने साल पूर्व? 3 साल हो गए। 3 साल पूर्व। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपसे? शादी करने का बोला था कि जहाँ मैं रहूँगा तुम्हें साथ में मतलब रखूँगा। क्या काम करते थे आप लोग दुबई में? हम कुक का काम करते थे। और ये? ये भी कुक ही था वहाँ। कब आप वहाँ से मतलब ये दुबई से कब आए हैं ये? इसको तो 1 महीना हो गया है। 1 महीना। तो आपसे मतलब फ़ोन पे बातचीत होती थी कि नहीं? नहीं, यहाँ आके इसने बंद कर दिया। बंद कर दिया था। तो फिर आप वहाँ से आई? जी मैं। कहाँ पे आई हैं? मैं सर लखनऊ पे। लखनऊ से। इनके घर कब आई? मेरे को हो गया इनके घर आए हुए 4 दिन। 4 दिन जी। तो घर पे मतलब जब आप आई हैं तो कौन कौन था इनके? इसकी मम्मी थी, 2 बहन थी, तो बाकी लड़का भी था। तो क्या कहना था मम्मी, इनकी मम्मी बहन? और वो बोले हमें कोई टेंशन नहीं, तुम रहो जी, ऐसे बोले थे। और कब गए हैं लोग ताला लगा करके? कल लगाए। बहन तो साथ ही थी रात में, पुलिस वालों ने बोला था कि इसको जाने नहीं देना जब तक मतलब इसका भाई पेश नहीं होगा, तो वो पता नहीं रात दिन में या रात में निकल गए कहीं। वहीं एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि एक युवक और युवती दुबई में होटल में काम करते थे। लड़का दुबई से हिंदुस्तान चला आया और लड़की भी दुबई से उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आई है। लड़की ने तहरीर दी है। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि घटना की जांच कर लें, जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। की है जो दुबई से अपने प्रेमी को ढूंढते हुए यहाँ पर आई और तहरीर दी, क्या कुछ मामला है? एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें दोनों पक्ष पूर्व में दुबई में किसी होटल में काम करते थे और यहाँ पर इनकी दोस्ती थी। लड़का बाद में यहाँ हिंदुस्तान चला आया है और लड़की भी यहाँ आई है और उसने प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें क्षेत्राधिकारी को संपूर्ण प्रकरण की जांच सौंपी गई है और यह निर्देशित किया गया कि इसमें सच्चाई के अनुसार जो भी घटनाक्रम इसके अनुसार इसमें कार्रवाई करना सुनिश्चित। बता दें कि यूपी के बस्ती जिले के रहने वाले प्रेमी पंजाब की युवती को दुबई में दिलते बैठा। जालंधर की रहने वाली युवती दुबई में पिछले 3 सालों से कुकिंग का काम कर रही थी। प्रेमी भी युवती के साथ कुकिंग कर रहा था। दोनों के बीच दुबई में प्यार परवान चढ़ा, साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी का वादा किया। लेकिन प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को धोखा देकर 1 महीने पहले अपने घर चला आया। जब 1 महीने तक प्रेमिका से संपर्क नहीं हुआ तो उसने अपने प्यार को ढूंढने के लिए दुबई से बस्ती आने का फैसला किया। 1 सप्ताह पूर्व प्रेमिका दुबई से लखनऊ आई और हरैया में होटल के कमरे में रहने लगी। 3 दिन पूर्व प्रेमिका अपनी छोटी बहन को लेकर अपनी प्रेमी के घर पहुंची, जहां पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने की बात कही। लेकिन शाम को प्रेमी और उसकी माँ घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद प्रेमिका परेशान हो गई और पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।